और ये सारे मोती आज हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। परम पूज्य अमर कीर्ति जी और परम पूज्य अमोक कीर्ति जी, इन दोनों इन युगल संत को देख करके निश्चित रूप से देशभूषण जी कुलभूषण जी कैसे होंगे उसकी याद आ जाती है। आइए चलते हैं परम पूज्य अमोक कीर्ति जी गुरुदेव के श्री चरणों में और निवेदन करते हैं, हे स्वामी हम तो शायद हमारा पुण्य कर्म अभी नहीं आया है कि आपके दर्शन हमें हो सके, ना जाने क्या क्या हमसे गलती है वो पता नहीं है, लेकिन आपके दर्शन अभी भी हमें नहीं हो रहे हैं और जैनम झूम चैनल के माध्यम से मात्र आज आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आइए परम पूज्य अमोक कीर्ति जी गुरुदेव के श्री चरणों में चलते हैं, जिन्हें परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव के उत्कृष्ट परम प्रभावक शिष्यों में से एक माना जाता है। निवेदन करते हैं कि वे अपनी बात को, अपनी आशीर्वाद को और परम पूज्य गुरुदेव के प्रति अपनी श्रद्धा को यहाँ पर समर्पित करें। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। बोलिए परम पूज्य मुनिश्री अमोक कीर्ति जी गुरुदेव की जय। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते श्रीमत्परमगंभीर स्याद्वादामोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिनशासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंद जी महाराज की जय। अमोकार तीर्थ की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमोक कीर्ति जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री गुरुदेव देवनंदी जी महाराज के समक्ष बोलना यानी निश्चित तौर पर सूर्य के सामने दीपक दिखाने जैसा ही है। आचार्य श्री के वचन समंत भद्र आचार्य श्री के वचनों के समान अत्यंत प्रभावशाली, अत्यंत मधुर, कानों से हृदय तक पहुंचने वाले और भव्य जीवों का कल्याण करने वाले वचन है। एक समय था जब समंत भद्र आचार्य श्री पूरे देश में विहार करके धर्म का डंका बजाते थे और आज का एक ऐसा डिजिटल समय है कि आचार्य श्री एक ही स्थान पर बैठ करके पूरे देश में डंका बजा रहे हैं। आचार्य श्री की परिकल्पनाएं, आचार्य श्री की संयोजनाएं, आचार्य श्री के विचार समाज के लिए अत्यंत ऊर्जा प्रदान करने वाले विचार हैं। धर्मस्नेही बंधुओं, आज स्वयं श्री माताजी की जो संलेखना चल रही है, माताजी को हमने संग में देखा था, अत्यंत शांत परिणामी, दीक्षा से लेकर हमारे संघ से विहार करने तक हमने उनको देखा, अत्यंत स्वावलंबी जीवन जीने वाली, कभी किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता था, स्वयं अपनी सारी क्रियाएं करती थी। आचार्य श्री ने जो नाम रखा था स्वयं श्री माताजी, माताजी वास्तव में स्वयं के ऊपर निर्भर रहने वाली माताजी हमने जब संघ में थे तब देखा था। कभी ऊंची आवाज हमने नहीं सुनी, कभी उन्हें विकथाएं करते हुए हमने नहीं देखा। गुरुजी की खूब भक्ति और विनय उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी, ऐसी स्वयं श्री माता जी, उन्होंने स्वयं ने आज ये पुरुषार्थ जगाया केवल गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरुदेव के प्रभाव से, गुरुदेव की प्रेरणा से। स्वयं कर्म करो त्यात्मा, स्वयं तत् फल मश्नुते। हे माता जी, हम जैन धर्म के इस रहस्य को, इस सिद्धांत को भली भांति समझते हैं और जैन समाज का आबाल वृद्ध इस सिद्धांत से परिचित है कि स्वयं कर्म करोति आत्मा, आत्मा स्वयं ही कर्म करती है
और स्वयं ही उसके फल भोगती हैं। आज आपने जो ये पुरुषार्थ किया है, यह आपका स्वयं का पुरुषार्थ है, आत्मा का पुरुषार्थ है, और आप आत्मा के इस स्वयं के पुरुषार्थ का फल भी प्राप्त कर रहे हैं। लोग कहते हैं संलेखना का फल क्या है, मैं कहता हूं संलेखना स्वयं फल है। ये इस जीवन भर की साधना का फल है, ये जीवन भर की भक्ति का फल है, ये जीवन भर की सेवाओं का फल है। ये मिल गया तो सब कुछ मिल गया, ये मिल गया तो कल्प वृक्ष मिल गया, और फिर गुरुदेव के चरण प्राप्त होना अंतिम समय में। माताजी, आपके ये जन्म जन्मांतर के पुण्य और इस जीवन की प्रत्येक समय में की गई साधना का ये फल है कि आपको गुरुदेव के चरण प्राप्त हुए हैं, गुरुदेव के संबोधन आपके लिए प्राप्त हो रहे हैं। ये सभी के भाग्य की बात नहीं है। लोग सेवाएं करते हैं, लोग भरपूर दान देते हैं, लोग भरपूर आराधनाएं करते हैं, किंतु अंतिम समय में अस्पताल में चले जाते हैं, अंतिम समय में कौन सी मौत मर जाते हैं मालूम भी नहीं पड़ता है, किंतु ये गुरुदेव के चरण प्राप्त होना, ऐसे तेजस्वी चरण प्राप्त होना, ऐसे दिव्य चरण प्राप्त होना, ऐसा दिव्य संबोधन प्रतिदिन प्राप्त होना, ये जन्म जन्मांतर के अनंत जन्मों का अनंत पुण्य हमारा ये है जो आपके लिए आज प्राप्त हुआ है। जवानों से कौन प्यार नहीं करता और जवानी से कौन प्यार नहीं करता। जवानों को और जवानी को चाहने वाले इस दुनिया में बहुत हैं माताजी। इस संसार में जवानों को और जवानी को चाहने वाले, प्यार करने वाले बहुत हैं, किंतु वृद्धों से प्यार करने वाला ये एक ऐसा गुरु हमारे लिए प्राप्त हुआ है जो इस दुनिया में, इस देश में, इस इतिहास में ये एक ऐसे गुरु हैं जो वृद्धों से प्यार करते हैं, वृद्धों की वृद्ध अवस्था को देखकर उसका तिरस्कार नहीं करते हैं। घर घर का वातावरण दूषित होते जा रहा है, घर घर में वृद्धों को कूड़े कचड़ों जैसा, रद्दी पेपर जैसा, टूटे फूटे बर्तनों जैसा, गिरती हुई दीवालों जैसा समझ करके उनकी उपेक्षाएं की जाती हैं। माना कि वृद्धाश्रम नहीं पहुंचाते हैं, किंतु घर में ही उनको जहर के कड़वे घूंट पिलाए जाते हैं। बाहर से तो ये दिखाते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे पास में हैं, हमारे माँ बाप हमारे आश्रय में हैं, हम उनकी देखभाल कर रहे हैं, किंतु वो बूढ़ा व्यक्ति जानता है, उसका अंतरंग जानता है कि मेरे घर में मेरे बेटे मेरे लिए क्या कर रहे हैं। हर पल आज घर घर में वृद्ध रो रहे हैं, हर बूढ़ा रो रहा है, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि उसके पास समय देने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि उसके पास एक अच्छी मुस्कान देने वाला कोई नहीं है। नौकरों के भरोसे माँ बाप को छोड़ दिया जाता है, और यदि थोड़ी सी चूचक माँ बाप कर लेते हैं तो वो भी बच्चों को सहन नहीं होती हैं। ऐसे समय में, आज के इस ऐसे विषम समय में हमारे लिए ये वृद्धों का एक ऐसा मसीहा प्राप्त हुआ है, ये वृद्धों का एक ऐसा भगवान प्राप्त हुआ है। ये गुरु नहीं है, ये गुरु नहीं है, ये भगवान है, वृद्धों के लिए भगवान है, जो वृद्धों को अपने आश्रय में रखते हैं, वृद्धों की देखभाल करते हैं, किसी प्रकार का पक्षपात नहीं, कौन सी समाज का है, कौन सी जाति का है, या वो कौन से पंथ का है, सभी प्रकार के विवादों को भूल करके केवल मेरे सामने एक वृद्ध व्यक्ति पहुंचा है, और वो समाधि की आस लेकर के आया है, वो समाधि मरण की आस लेकर के पहुंचा है। उसकी इस सद्भावना का सम्मान यदि आज कहीं होता है तो देश में केवल नमोकार तीर्थ है जहां वृद्धों की सद्भावनाओं का सम्मान किया जा रहा है। कई स्थलियां बन रही हैं, किंतु वे सब नाम निक्षेप वाली स्थलियां हैं, ये वास्तव में संलेखना स्थली हैं,
ये वास्तव में एक भाव निक्षेप वाली स्थली है, जहां जाने के बाद कोई बूढ़ा व्यक्ति नाराज होकर के नहीं लौटता है। कौन है, कौन करता है? सगे बच्चे आज साथ नहीं देते हैं, किंतु हमारे गुरुदेव वास्तव में आज माता जी को संबोधन देने की इच्छा कम और गुरुदेव की प्रशंसा में शब्द उतावले हैं, मन गदगद है, मन इन सद्भावनाओं से अत्यंत आर्द्र हो गया है कि वृद्धों को संभालना, बंधुओं 1000 जवान शिष्यों को संभाला जा सकता है, किंतु एक वृद्ध की संपूर्ण सेवा करना, रात और दिन किसी प्रकार का कोई भेद नहीं, निरंतर एक वृद्ध क्षपक जब सामने होता है, जब एक वृद्ध व्यक्ति संलेखना लेता है, जवानों को तो दीक्षा दे दे करके छोड़ दो, वो अपनी सुबह संभाल लेंगे, दोपहर संभाल लेंगे, वे अपनी शाम को संभाल लेंगे, अपनी रातों को संभाल लेंगे, किंतु वृद्ध व्यक्ति को यदि हमारे आश्रय में लिया है, अपनी पनाह में यदि वृद्ध व्यक्ति को लिया है, तो उसके लिए सुबह दोपहर शाम रात प्रतिपल उसका ध्यान रखना पड़ता है। हम लोग अनुभूत हैं, हमने देखा है कि सेवाएं कैसे की जाती हैं, हमने हमारे गुरुदेव को वृद्ध लोगों की सेवाओं को करते हुए देखा है और उन्होंने कई वृद्धों की सेवाएं की हैं। जब तक हम संग में थे तब तक लगभग 40 संलेखनाएं हो चुकी थी और वो संलेखनाएं हमने अपनी आंखों से देखी है। मैं तो बच्चा था, मैं तो एक छोटा सा बच्चा बनकर के संग में आया था, 15 साल की उम्र थी, दाढ़ी और मूंछ भी नहीं थी, तब मैंने देखा था कि आचार्य श्री हमारे गुरुदेव बच्चों को जितनी संभालने की हैसियत रखते हैं, उससे कई गुना ज्यादा योग्यता और क्षमता वृद्धों को संभालने में रखते हैं। मैं कई बार ये बात कहता हूं कि बच्चों से बच्चों को और वृद्धों से वृद्धों को संभालने की क्षमता यदि किसी में है तो हमारे गुरुदेव में है। आपने कई संघ देखे होंगे जिसमें केवल वृद्ध हैं, कई संघ देखे होंगे जिसमें केवल बच्चे हैं, जवान हैं, किंतु हमने ऐसा संघ, ऐसा वातावरण देखा है जिसमें जवान, जिसमें बच्चे, जवान और हर उम्र का वृद्ध अवस्था तक के शिष्य हमने संग में देखे, और सभी को कैसे टेकल करना, सभी को कैसे हैंडल करना, ये एक कौशल्य, ये एक कला जो हजारों आचार्यों में देखने को नहीं मिलेगी, वो एक कला, वो एक सौंदर्य, वो एक स्किल यदि कहीं देखने को मिलती है तो हमारे गुरुदेव आचार्य श्री में देखने को मिलती है। मैं तो स्वयं श्री माता जी से कहूंगा कि आप तो गुरु का ध्यान करिए, भगवान का ध्यान, यही भगवान है, यही हमारे भगवान हैं, जो हमारे लिए हमारा हाथ पकड़ के संसार समुद्र से गिरने में, संसार समुद्र से डूबोने से बचाते हैं और हमारे लिए अत्यंत प्यार से, प्रेम से, सौहार्दता से, करुणा से और हमारे प्रति वात्सल्य के भाव को रख करके हमारे लिए शिक्षाएं देते हैं, संबोधन देते हैं, व्रत प्रदान करते हैं, हमारे लिए हर प्रकार से सेवाएं देते हैं, दिन रात हमारा ध्यान रखते हैं। मंदिर की प्रतिमा तो मंदिर में ही रहेगी, ये हमारे चलते फिरते भगवान हैं। इसलिए माता जी आप तो ये कहो, गुरो भक्ति, गुरो भक्ति, गुरो भक्ति भवतु मे, सदा मिस्तु, सदा मिस्तु, सदा मिस्तु भवे भवे। मुझे ऐसा गुरु हर जन्म में मिले, यदि ऐसा गुरु मिल गया तो समझ लो भगवान हमारे लिए मिल गए। ये गुरु नहीं, ये हमारे देव, शास्त्र और गुरु तीनों का संयोग है, तीनों का सम्मिलन है, तीनों की त्रिवेणी है। ऐसे गुरु के रूप में हमारे लिए भगवान भी मिल गया, जिनवाणी भी मिल गई और गुरु भी मिल गए। ऐसा रत्नत्रय का सम्मिलन, रत्नत्री की त्रिवेणी जो आपके लिए प्राप्त हुई है, आपसे बड़ा सौभाग्यशाली इस जगत में, इस समय में अब कोई नहीं है। आप सबसे बड़े सौभाग्यवान हो क्योंकि आपके लिए ऐसे गुरु की छत्र छाया प्राप्त हुई है जो आपके लिए निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे आचार्य श्री
हर प्रकार से एबल है, हर प्रकार से कैपेबल है, हर प्रकार से क्षमतावान है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं। कितने शिष्य आए और चले जाएंगे किंतु हमारे गुरुदेव की क्षमता, हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद, हमारे गुरुदेव के वचन, जब हमारे गुरुदेव की ऊर्जा हमेशा एक जैसी रहती है, हमारे गुरुदेव का प्यार, हमारे गुरुदेव का वात्सल्य हमेशा एक जैसा रहता है, उनमें वो अदम्य क्षमता है जो एक सूर्य में देखने को मिलती है। जैसे सूर्य अपने तेज से समस्त जगत के लिए ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है, उसी प्रकार हमारे गुरुदेव, हमारे गुरुदेव की क्षमता, हमारे गुरुदेव का तेज, हमारे गुरुदेव की प्रसन्नता, हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद, हमारे गुरुदेव का प्रकाश निरंतर बढ़ता हुआ है, वो कभी घटने वाला नहीं है। हम देखते हैं कितना तेज भरा हुआ है, कितनी प्रसन्नता गुरुदेव के श्रीमुख पर है, उन्हें कितनी भी शारीरिक बीमारी आ जाए किंतु उनकी प्रसन्नता में, उनके आशीर्वाद में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, और इसी कारण इतने भव्य तीर्थ का निर्माण हो रहा है, और इसी कारण इतनी अच्छी अच्छी संलेखनाएं हो रही हैं। मेरे नाना जी श्री उत्कृष्ट कीर्ति महाराज, बंधुओं, उन्होंने भी ये संलेखना नमोकार तीर्थ पर स्वीकार की थी, और ऐसे समय में स्वीकार की थी जब वे हर प्रकार से असमर्थ हो चुके थे। उन्हें ऐसा मन में था ही नहीं कि इतना उत्कृष्ट स्थान और उत्कृष्ट सानिध्य मुझे प्राप्त हो जाएगा। हर प्रकार से हार चुके थे, हर प्रकार से मन ढीला पड़ गया था। ऐसे समय में उन्हें कई साधुओं ने मना कर दिया था, कई साधुओं ने मना कर दिया था कि नहीं, इन्हें यहां हम नहीं रख सकते हैं, हम सेवाएं नहीं दे सकते हैं। और ऐसे समय में जब उन्हें नमोकार तीर्थ, हमारे लिए जब पूछा गया क्या करें, हमने तब एक ही कहा था कि सबसे नजदीक, सबसे अनुभवी और सबसे बड़े निर्यापकाचार्य यदि कोई हैं तो हमारे गुरुदेव हैं, यदि आपकी श्रद्धा हो तो आप वहां ले जाइए। और उन्हें वहां ले जाया गया। बंधुओं, उनके साथ रहने वाले, उनके अपने परिवारजन किसी भी पंथ संप्रदाय के हो, किंतु हमारे गुरुदेव ने उनका जो सम्मान किया, जो उनके लिए स्थान दिया, जो उनकी सद्भावनाओं का सत्कार किया, जो उनके दीक्षा और व्रत देकर उपकार किया, जो उनकी सेवा की, जन्म जन्म में वो भूली नहीं जा सकती है। मैं अत्यंत गदगद हूं हमारे गुरुदेव के इस आशीर्वाद से, और ऐसी अनेक सेवाएं संलेखनाएं उन्होंने कराई हैं। हमारे गुरुदेव ऑलराउंडर है, ये आप सभी जानते हैं। किसी भी क्षेत्र में आज वो पीछे नहीं है। उन्होंने साहित्य की रचनाएं की हैं, अनमोल साहित्य जगत को प्रदान किए हैं जो रोज लोगों को काम आ रहे हैं। फिर वो विधि चूड़ामणि, फिर वस्तु चिंतामणि और देव शिल्प। आज यहाँ बहुत बड़ा समोशरण का निर्माण मंदारगिरी तीर्थ पर हो रहा है, और उसका भी पूरा आधार देव शिल्प ग्रंथ से लिया जा रहा है। ये सब हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद। जनता के ऊपर ऐसा उपकार करने वाला साधु, जिन्होंने केवल अपना तीर्थ नहीं बनाया, अंत में उन्होंने अपना तीर्थ बनाया, उसके पहले उन्होंने समाज के सारे तीर्थों को हरा भरा कर दिया, तीर्थों की रक्षा की, साहित्य की सुरक्षा की, शिष्यों का निर्माण किया, और इसी प्रकार उन्होंने समाज के युवाओं को एक अच्छा मार्ग दिखाया। ऐसे समय में आज हमारे आचार्य श्री गुरुदेव ये एक संलेखना के लिए अपना सानिध्य प्रदान कर रहे हैं। मैं तो ये समझता हूं कि हमारे लिए भी ये मौका मिले कि हमारी समाधि भी आचार्य श्री के ही चरण में हो। हमारे आचार्य श्री, हमारे गुरुदेव शतायुषी नहीं, इतने दीर्घायुषी हो कि हम सबके लिए उनका ये संबोधन, क्योंकि जो संबोधन वो शिष्यों को देते हैं, खास करके क्षपकों को देते हैं, इतनी मधुर वाणी में देते हैं, हमने
कुंथलगिरी में आचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज को जब वो सुनाते थे सल्लेखना के उनके संबोधन थे, सभी शपकों को उन्होंने सुनाया है। और इतनी मधुर वाणी में आज हमारे लिए कहा गया था कि आप जरूर कोई भजन गाना, मैं तो गा ही नहीं सकता हूँ। हमारे आचार्य श्री इतने सुंदर शब्दों में, इतनी सुंदर आवाज में 12 भावना गाते हैं, वैराग्य भावना गाते हैं, बड़ा समाधि मरण पाठ गाते हैं, वो जब सुनते हैं तो मन वैराग्य से ओतप्रोत हो जाता है। और क्या होती है संलेखना, क्या होता है मृत्यु महोत्सव, ये अनुभव उस समय हमारे लिए आता है जब हमारे आचार्य श्री बोलते हैं। वो जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है साक्षात गौतम गणधर स्वामी बोल रहे हो, उनके प्रवचनों से वो आनंद हमारे लिए आज भी प्राप्त होता है। माताजी बहुत सौभाग्यशाली हैं और वे सभी वृद्ध साधु जो हमारे संग में आज नमोकार तीर्थ पर है, वे सभी सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने अपने अपने बेटों को छोड़ दिया। नहीं मालूम उनके बेटे क्या करते, उनके बेटे उनके साथ क्या करते, मैं नहीं कह सकता हूं। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया जो अपना घर छोड़ दिया, अपने बेटों का त्याग कर दिया, सब कुछ छोड़ करके वो हमारे गुरुदेव के श्री चरणों में आकर के उपस्थित हुए हैं। वे सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। और मैं आज सुनने वाले जितने भी श्रोतागण हैं उन्हें भी कहूंगा कि अपना बुढ़ापा नमोकार तीर्थ में बिताना और कहीं मत जाना। नमोकार तीर्थ से बढ़कर के इन वृद्धों के लिए, हम सब के लिए कोई अच्छा स्थान आज प्राप्त नहीं हो सकता है। बंधुओं, इतना सुंदर वातावरण और सुंदर ये मनोरम दृश्य है जब माताजी की सेवाएं हमारी दीदी और सभी लोग कर रहे हैं। दीदी भी सेवा में अत्यंत अग्रणी है, सभी की सेवा में, संग में जितने उपस्थित साधु हैं, हमारे गुरुदेव की सेवा तो वो पिछले 25 साल से निरंतर कर रही हैं। और उसके साथ ही साथ जो संग में वृद्ध साधु हैं उनकी सेवाओं में भी वो निरत हैं। गुरुदेव के सानिध्य में रह करके अब वो भी कुशल निर्यापिका हो चुकी हैं, वो भी एक निर्यापिका हो चुकी हैं। सेवा कैसे करना चाहिए, आहार कैसे देना चाहिए, वृद्ध को क्या आहार दिया जाएगा, संलेखना में आहार का क्या क्रम है, इन सब बातों में वो अब कुशल हो चुकी हैं। इसलिए वृद्ध लोगों को नमोकार तीर्थ में जाने से डरना नहीं है, सभी ने अपना अपना रिजर्वेशन कर लो अभी से, वहां अपना टिकट रिजर्व कर लो कि गुरुदेव हम आएंगे और आपके चरण सानिध्य में ही हम अपने इस जीवन का समापन करेंगे। मैं गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ, अपने विनयांजलि प्रेषित करता हूँ कि हमारे लिए भी दीर्घ काल तक आपका सानिध्य प्राप्त होता रहे, आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, आपका संबोधन प्राप्त होता रहे। आप केवल वृद्धों को नहीं, हम शिष्यों का भी ध्यान रखें, हम शिष्यों को भी संबोधन दे, क्योंकि हम लोगों को भटकने में देर नहीं लगेगी। यदि आपका आशीर्वाद और आपकी छत्र छाया हमारे ऊपर नहीं रही तो हम भी भटक जाएंगे। आपने मुझे छोटी सी अवस्था से उठाया, हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके मुझे आज यहाँ तक पहुंचाया है। आपके उपकारों को मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। मैं आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ, आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। बोलिए आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रवण श्री देव नंदी जी महाराज की जय। अवकीर्ति जी गुरुदेव की जय। क्या बात है, जवान और जवानी सबको पसंद है, किंतु वृद्धों के लिए आचार्य श्री भगवान है, उसमें कोई बात नहीं, दोहराय नहीं है। परम पूज्य मुनिश्री जब बात कर रहे थे, अपनी बात को बोल रहे थे, तब आचार्य श्री का चेहरा देख रहा था तो मानो भूतकाल की यात्रा वो कर रहे हैं ऐसा दिख रहा था। नयन और राकेश को बड़े छोटे छोटे अंदाज में हमने भी देखा है। नयन राकेश एक चमकते हुए सितारे के भांति परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में आते हैं और ये जौहरी वो दोनों को ऐसा तराशते हैं कि आज दुनिया में देशभूषण कुलभूषण के रूप में अमर कीर्ति और अमोक कीर्ति विहार करते हैं। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आइए आगे चलते हैं, परम पूज्य गुरुदेव के पास चलते हैं। आज अमोक कीर्ति जी गुरुदेव, कल गुरुदेव आज ही बोलेंगे, कल बुलवाएंगे, टाइम ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, उनका भी दूसरा काम है थोड़ा सा।
अमर कीर्ति जी महाराज कल सही और कुशल भैया वृत्ति कारक, कैसी भैया वृत्ति, कैसी सेवा, कैसी समाधि होती है, ये पूरा अनुभव हमारे अमर कीर्ति जी महाराज को भी बहुत अच्छे से है। कल अपन 8 बजे महाराज जी को सुनाएंगे। हमने बहुत नजदीक माता जी नमस्ते बोल रही है दोनों के लिए। माता जी नमस्ते बोल रही है दोनों के लिए। पहली बार इतनी जोर से आवाज निकली है, आवाज की आपकी आवाज सुनने के बाद माता जी ने पहली बार कई महीनों के बाद इतनी जोर से बोला होगा। माता जी आशीर्वाद दे रहे हैं दोनों महाराज जी, देख रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया है स्वामी। आज ऐसा लगा कि युगल मुनिराज के लिए कहना चाहूंगा कि ऐसा लगा वास्तव में गुरु शिष्य का मिलन हो रहा है। और हम जैसे जो सारे भक्तगण है वो भक्तगण की आंखें निश्चित रूप से आज डबडबा गई है, क्योंकि इन गुरु शिष्यों के साथ में देख करके जिन लोगों ने हमेशा हमेशा आपको देखा है वे लोग निश्चित रूप से आज नम आंखों से इन दृश्यों को देख रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। आइए परम पूज्य गुरुदेव के पास चलते हैं। उससे पहले गुरुदेव आपके प्रति सदैव